वेतन समझौता सहित अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी दो दिवसीय हड़ताल पर, कामकाज रहा ठप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड स्टाफ एम्प्लाइज यूनियन के बैनर तले चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा था। वेतन समझौता तथा अन्य मांगों पर भारतीय बैंक संघ द्वारा अपनाए गए कड़े रुख के विरोध में अंततः बैंक कर्मचारियों द्वारा बुधवार से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। 30 और 31 मई को देश भर के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज नहीं होगा, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान होने की संभावना है। इनकी मांग है कि भारतीय बैंक संघ द्वारा वेतन पुनरीक्षण की मांग पर विलंब किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही पूरा किया जाए। वेतन मान में पर्याप्त बढ़ोतरी तथा बेहतर सेवा शर्तों वाला समझौता, इसके अलावा कई अन्य मांगे हैं जिन्हें जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अधिकारी कर्मचारी एकता, अधिकारी कर्मचारी एकता, भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ फेडरेशन, भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ फेडरेशन। जो वेतन समझौता, हमारा जो वेतन समझौता नवंबर 2017 से लागू हो जाना था, भारतीय बैंक संघ की कूटनीतिक चाल है इसमें। और इस चाल में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो स्टेट, हमारे बैंकों का जो एनपीओ हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस एनपीओ को हमारे वेतन समझौता से डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है, जो कि यह कतई गलत है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने के लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारीगण हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो यहाँ से विदेश चले गए, उनका बहुत सारे स्कैंडल हुए, स्कैम हुए, उनका अभी भी पैसा वापस नहीं आ रहा है और उस वेतन समझौते से इसको जोड़ा जा रहा है। यदि कोई मकान बनवाता है, मकान बनवाने में यदि उसमें सीमेंट और दूसरे मटेरियल यदि खराब लगाए जा रहे हैं और वह यदि मकान गिर जाता है तो उसमें मजदूर की कोई गलती नहीं होती है। मजदूर अपनी मजदूरी कर रहा है और उस मजदूरी के लिए वह अपना वेतन पाने के लिए, एक अच्छी तरह से जीने के लिए, एक जीवन जीने के लिए प्रयासरत रहता है। हम अपने ग्राहकों से भी विशेष अनुरोध करते हैं कि उन्हें इस हमारी हड़ताल में यदि कोई समस्या आ रही है तो उन्हें हमें सहयोग देना होगा। यदि मजदूर को उसको उचित मजदूरी मिलेगी, उसको सही वेतन मान मिलेगा तो वह दुगने मन से अपना कार्य करेगा।